गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जानता हूं कि आप मेरी स्टोरी ऑफ द वीक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस जो स्टोरी ऑफ द वीक से भी बेटर है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने मुझसे कहा कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं, ऐसा गीत बनाऊं जो कि भारत के 130 करोड़ लोगों को इंस्पायर करे वोट देने के लिए, वो इलेक्शन में जाएं, अपना अधिकार समझें, अपना कर्तव्य समझें। और इस थीम के ऊपर आप सुभाष जी का गाना बनाइए। मैंने वो गाना बनाया। विस्ली वुड्स के स्टूडेंट्स हमारे म्यूजिक स्कूल में जो हैं उनके साथ बैठा, उनके साथ कंपोज किया, लिखा और फिर गाना बनाकर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा। तो उन्होंने तय किया कि इस गाने को हम 25 जनवरी 30th नेशनल वोटर्स डे में इसको रिलीज करेंगे। और उस रिलीज वाले दिन, उस इवेंट में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे और उनको ये गाना दिखाएंगे। फिर वो दिन आया जिस दिन हमारा ये गीत मैं भारत हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट लॉ मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू और इलेक्शन कमीशन की सभी डिग्निटरीज वहां उपस्थित थी और ये गाना स्क्रीन किया गया। हमें उसकी सराहना मिली, ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। इस गीत में भारत के उच्चतम श्रेणी के 19 सिंगर्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से कई सिंगर्स जो हैं दिल्ली भी आ सके, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उनकी प्रशंसा की गई। और ये जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम आप सभी के लिए मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं, एक गीत को इस मेरे एड्रेस के बाद स्क्रीन करेंगे। इस अवसर पर मैं सुभाष गई जी को, जो यहाँ मौजूद हैं अपने 9 कलाकारों के साथ, वर्ल्ड रिनाउंड कलाकारों के साथ, और बहुत सारे यहाँ नहीं आ पाए हैं वो आप इसमें देखेंगे। हमने इसको 12 भाषाओं में बनाया है। सबको अलग अलग पूर्ण रूप से दिखाया जाएगा जो 1 बजे के बाद आज चालू होगा, लेकिन अभी 12 भाषाओं का एक मिश्रण, जस्ट ए सैम्पल, विल बी डिस्प्लेइंग इट हियर, विच ब्रिंग्स द एंटायर डाइवर्सिटी सोशो इकोनॉमिक कल्चरल ज्योग्राफिकल टू द फोर विद द रिक्वेस्ट टू द वोटर दैट हाउ मच पावरफुल यू आर। और देवी सन्नो, जैसे कि माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने बताया, आज हम एक गीत ECI गीत मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं यहाँ पर स्क्रीन करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित सभी इस बात से सहमत होंगे कि जब भावनाओं को शब्दों, सुर और ताल के पंख मिल जाते हैं तब वो दिल को छू जाते हैं। और यही हमें उम्मीद है हमारे इस गीत से, जो एक ऐसा गीत जो गर्व के साथ साथ एक जिम्मेवारी का भी एहसास दिलाता है कि हमारा, मेरा एक वोट भी बहुत कीमत रखता है। दिस सॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया along with the Subhash Ghai Foundation. Shri Subhash Ghai ji, the composer, the renowned, the legend, veteran actor, producer, director is present with us. Saath saath is geet ko surbat kiya hai hamare desh ke bahut hi vikhyat aur bahut hi surile singers ne, jo hamare saath, unme se kuch hamare saath yahan par upasthit hain, Sonu Nigam ji, Rashid Khan ji, Chitra ji, Vishali Samant ji, Mehmeet Sayyed ji, दीप्ति रेखा पाधी, पपोन जी, और इस गीत को म्यूजिक कंपोजर हैं अभिषेक बोंथू जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द सॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट रिफ्लेक्ट्स द इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, एथिकल एंड फेस्टिव मूड ऑफ आर इलेक्शंस। तो आइए इस उत्साह और जोश को महसूस करते हैं और प्रस्तुत है ये गीत। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में।
देवी सज्जनों, अनेक भाषाएं पर एक ही भाव, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। वी श्योर दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी गिविंग अ वेरी यूनिक आइडेंटिटी टू ऑल आर ईसीआई कैंपेन्स एंड फर्दर इट इज गोइंग टू बी अ हर्बिंजर ऑफ एथिकल वोटिंग बिहेवियर। वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट ऑल फीचर्ड इन दिस सॉन्ग दे हैव वर्कड प्रो बोनो, सो थैंक यू टू देम
जो अभी अभी हमने गाना सुना है, मैं भारत हूं, और कई लाइन्स हैं, हम भारत के मतदाता हैं, हम में है ताकत। तो जो सॉन्ग क्रिएट किया, आई फील दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हैज गैल्वनाइज द माइंड्स एंड सोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू टू सुभाष गाई जी एंड द एंटायर टीम, आपके जितने जाने माने चर्चित चेहरे कलाकारों का यहाँ आना, और जो आपने फिल्म बनाया, जिस तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किए हैं, मैं मानता हूँ कि सब जगह ये दिखाया जाएगा और सबको देखना भी चाहिए, तो इसका असर बहुत पॉजिटिव होगा। और आप जैसे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके क्रिएटिविटी, आपके कंट्रीब्यूशन से और मजबूती मिलेगा इलेक्शन कमीशन को और देश को, मैं इसका सराहना करता हूँ। आज निर्वाचन आयोग का बहुत सुंदर गीत हम सब ने सुने, जो सामने बैठे हुए देश के आग पहले कतार में खड़े हुए कलाकारों ने प्रस्तुत की है। अनेक भारतीय भाषा में इस गीत को प्रसारित करने की निर्वाचन आयोग की पहल को मैं अत्यंत सराहना करती हूँ। इस गीत में भी मतदान के राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर दिया गया है। इस गीत में ये संदेश दिया गया है कि हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है, मतदान देने चाहिए भारत के लिए।